स्वागत आप सभी का नवीन दहिया यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन दहिया, और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ये लर्निंग एंड टीचिंग का नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इससे पहले हमने दो वीडियो में कवर किया था डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो दोनों को हम कवर कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। MDU और CRSU दोनों ही एग्ज़ाम, दोनों ही यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, ठीक है। तो आज हम करेंगे इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शंस देना है इसका, और इंट्रोडक्शंस जो हमने पहले दो वीडियो में कवर किया है सेम सा ही है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिफरेंस हमें बताना है इसका, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। शिक्षण विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने, कौशल प्रदान करने और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण कक्षा के वातावरण में घटित होता है। शिक्षण एक विस्तृत धारणा है, प्रशिक्षण, अनुबंधन, अनुदेशन और प्रतिपादन शिक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। ये चारों शिक्षण का ही पार्ट है। शिक्षण संस्थाओं में सामान्य तौर पर प्रशिक्षक और अनुदेशन, इसका ये जो वर्ड है आपने सुना होगा, लेकिन जो प्रतिपादन है और जो अनुबंधन है इसका अक्सर प्रयोग नहीं किया जाता है। जो इंडोक्ट्रिनेशन है और जो कंडीशनिंग है इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस, इसका जो यूज़ है वो काफ़ी बार किया जाता है, स्कूल्स में भी किया जाता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था डायग्राम से, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। ये है टीचिंग, ये जो होल पार्ट में आप देख रहे हो ये टीचिंग है, ठीक है, टीचिंग। और जो अंदर फोर कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ये वही हैं जो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशंस, कंडीशनिंग और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चारों कैसे इंटरलेटेड काम करते हैं ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको पहले दो वीडियो में कवर करवा दिया था, बता दिया था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था आपका, और मैं समझ गई थी कि आपको वीडियो, जो आपको क्वेश्चंस है वो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से रिस्पॉन्स दिया कीजिए अपना। उसके बाद आप इंडोक्ट्रिनेशंस के बारे में बताओगे। देखिए, इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग दोनों ऐसे वर्ड हैं कि नाम लेते ही हमें पता चल जाता है कि इनके बारे में हमें क्या लिखना है। कुछ ना कुछ एक दो लाइन आप लिख देते हो, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशंस के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होती, हमें ये नहीं समझ आता कि इंडोक्ट्रिनेशन होता क्या है, इसके बारे में हम क्या लिखे एग्ज़ाम में। बाय चांस एग्ज़ाम में आ गया और आपने नहीं पढ़ा तो क्या लिखोगे उसके बारे में, इसलिए इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इंडोक्ट्रिनेशंस के बारे में जानते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन होता क्या है, ठीक है। जो इंडोक्ट्रिनेशन है, निश्चित विश्वासों को बनाने की प्रक्रिया है। शुरुआत से ही विद्यार्थी के दिमाग में कुछ विचार बिठा दिए जाते हैं। जो विचार लगातार सीखने में मस्तिष्क में जो डाले जाते हैं वे विचार उसके विश्वसनीय बन जाते हैं, पक्के बन जाते हैं जो भी उनको सिखाया जाता है। और विस्तृत रूप से प्रतिपादन को व्यक्ति के मन में इस तरह से स्थापित करने की कोशिश की जाती है जैसे कि विश्वास और आदतों को स्थापित किया जाता है। जैसे जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसको ऐसे ही उसके दिमाग में एक तरह से बिठा दिया जाता है, उसको समझा दिया जाता है। जैसे हम कोई बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं कि ये आपको करना है, उसको व्यवहार करना सिखाते, ऐसे ही इंडोक्ट्रिनेशन को भी हम सिखाते हैं, ठीक है। शिक्षण विश्वास व्यवहार और मूल्यों आदि में इच्छा अनुसार परिवर्तन लाती है। जो शिक्षण है, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है हमारी, ये व्यवहार और मूल्यों में परिवर्तन लाती है, लेकिन कैसे परिवर्तन लाती है वो भी आपको समझना होगा, ठीक है। स्वाभाविक शिक्षण विस्तृत है, लेकिन प्रतिपादन इसका एक अंग है। जो डायग्राम के थ्रू हमने समझा था ये टीचिंग हो गई आपकी, और जो प्रतिपादन है, जो इंडोक्ट्रिनेशन है, ये इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, टीचिंग के बारे में आपको लिखना है। टीचिंग होती क्या है? टीचिंग का अर्थ सुव्यवस्थित विधि द्वारा शिक्षण प्रदान करना है। सॉरी, मैं यहाँ पर आपको इसका एग्जांपल देना भूल गई, इंडोक्ट्रिनेशंस का एक एग्जांपल आप समझ लीजिए कि इंडोक्ट्रिनेशंस होता क्या है। देखिए, आपने शुरू से ही लड़के और लड़कियों के बारे में एक धारणा विकसित होती देखी है। बच्चों को बोला जाता है पेरेंट्स के द्वारा, उनके आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनके द्वारा, कि जो लड़के होते हैं उनको रोना नहीं है। कोई भी लड़का अगर रोता है बचपन में तो ये कहते हैं उनको
अरे बच्चा मतलब लड़का होकर रोता है, लड़के थोड़ी ना रोते। तो जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता जाता है, उसके दिमाग में वो फिट बैठ जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो उसके दिमाग में जो व्यवहार आया है, उसके दिमाग में जो बात बिठा दी गई, वो बिल्कुल पक्की हो जाती है, और उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यही है इंडोक्ट्रिनेशन, और जो विश्वास बच्चे के दिमाग में बिठाया जाता है, जो बातें उसको बताई जाती हैं, जो बातें उसको बताई जाती हैं, उसकी आलोचना नहीं होती, उसका कोई तर्क नहीं दिया जाता बच्चे के द्वारा, कि कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता बच्चे के द्वारा कि लड़के ही क्यों नहीं रोते, लड़कियां क्यों नहीं रोती हैं, लड़कियां क्यों रोती हैं, लड़के क्यों नहीं रोते। तो कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, कोई बहस नहीं होती इस चीज़ पर। जो बच्चे के दिमाग में बिठा दिया जाता है, वो उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उसको चुपचाप मान लेते हैं। ये है इंडोक्ट्रिनेशन। ओके, अब हम बढ़ते हैं टीचिंग की तरफ। टीचिंग के बारे में हमने पहले दो वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है, ठीक है। अब हम इसके डिफरेंस देखेंगे टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशंस के। ये है टीचिंग, यहाँ पर है इंडोक्ट्रिनेशन, हिंदी में इसको प्रतिपादन भी कहा जाता है। तो फर्स्ट है, शिक्षण एक विस्तृत क्षेत्र है, बहुत बड़ा दायरा है शिक्षण का, और प्रतिपादन का जो क्षेत्र है वो सीमित है। हमने ट्रेनिंग के बारे में भी पढ़ा था, हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी पढ़ा था, हम अब पढ़ रहे इंडोक्ट्रिनेशन। तो तीनों में ही आएगा कि जो इनका क्षेत्र है वो सीमित है, ठीक है। ट्रेनिंग का भी, इंस्ट्रक्शंस का भी, और इंडोक्ट्रिनेशन का भी। लास्ट में मैं आपको इस वीडियो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड दो फैक्टर बताऊंगी कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लिख के आ सकते हो एग्जाम में। दो तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में ज़रूर देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका, शिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना होता है, और इंडोक्ट्रिनेशन है, इंडोक्ट्रिनेशन का उद्देश्य विश्वासों एवं दृष्टिकोणों को बदलना होता है। जो विश्वास नेगेटिव हैं उनको चेंज करना होता है, या फिर कोई भी अगर हम थिंकिंग है उसको डेवलप करना चाहते हैं बच्चे के दिमाग में, तो हम उसको लगातार वही बातें बताते चले जाते हैं और उसके दिमाग में पक्का फिट बैठ जाता है कि हाँ, जो बच्चे को बताया जा रहा है वही सच है, और वही उसी बात को वो सच मानकर पूरी लाइफ टाइम उसी बात को सच मानता है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, शिक्षण विविध विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण में अनेक मेथड यूज़ किए जाते हैं, अनेक टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं पढ़ाते हुए, और जो इंडोक्ट्रिनेशन है, जो प्रतिपादन है, इसमें प्राय भाषण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। उनको कोई रिटर्न में नहीं देखे जाता कि आपको मैंने रिटर्न में ये दिया है, आप ये पढ़ लो, ये ऐसे होता है नहीं। हम बच्चे को जो भी बताते हैं शुरुआत से ही बताया जाता है, और जो भी बताते हैं वो बोलकर बताते हैं, तो इसमें भाषण विधि का ही प्रयोग होता है, ठीक है। शिक्षण बाल केंद्रित होता है, बिल्कुल बाल केंद्रित होता है। जो भी हमारी शिक्षा होती है सारी बाल केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है। कोई भी करिकुलम हमें चेंज करना होता है, या फिर क्लासरूम का एनवायरनमेंट देखना होता है, सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग हम मैनेज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अंधविश्वासों पर केंद्रित होता है। जो भी बात हमें दिमाग में बिठानी होती है बच्चे के, वो अंधविश्वास या चाहे वो ठीक है गलत है कुछ मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है, शिक्षण में बच्चों को अधिक महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, अगर जो टीचिंग है, जो एजुकेशन है, वो चाइल्ड सेंटर है, तो बच्चे को ही अधिक महत्व इसमें दिया जाता है। और प्रतिपादन में है, इंडोक्ट्रिनेशन में, यहाँ पर अध्यापक को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो भी बताना होता है एज ए टीचर या फिर एज ए पेरेंट्स, एज ए आप भी कोई भी लगा लीजिए आपके आस पड़ोस में, तो उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो बातें बताई जाती है वो उन्हीं के थ्रू बताई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण लंबी प्रक्रिया है और लंबे समय तक चलती है। बिल्कुल, अगर इसका दायरा बड़ा है, और ये जो टीचिंग होती है, कुछ भी हम सीखते हैं तो लाइफ टाइम सीखते हैं। कुछ भी किसी ने भी हमें कुछ भी बता दिया तो वो हम सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हम क्लासरूम में बैठकर सीख रहे हैं, हम घर पर भी सीख सकते हैं, हम टीवी से सीख सकते हैं। हम अब जो सोशल मीडिया है, जहाँ यूट्यूब आ गया, या फिर अदर कोई ब्राउज़र पे आप कुछ भी सर्च कर, तो हम वह सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। और जो प्रतिपादन है, इसकी अवधि निश्चित होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, सीमित होती है। उसके बाद है शिक्षण,
शिक्षण में कृत्रिम और प्राकृतिक वातावरण दोनों तरह का होता है। जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो टेक्निकल भी होते हैं, और जो एनवायरनमेंट है, जो शिक्षण है, वो एनवायरनमेंट के थ्रू भी दिया जाता है, क्योंकि हम प्लेग्राउंड में भी जाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चों को गेम करवाने के लिए, तो वहाँ पर भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो एनवायरनमेंट से भी बच्चे सीखते हैं और ये टेक्निकली भी होता है। उसके बाद है प्रतिपादन में केवल कृत्रिम वातावरण ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बच्चे को सीखने में स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो बच्चा सीखना चाहता है, जैसे सीखना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सिखाया जाता है। उस पर बर्डन नहीं दिया जाता, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया जाता, ठीक है। और उसके बाद है इंडोक्ट्रिनेशन में, इसमें बच्चे को किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, बच्चों को इसमें फ्रीडम नहीं होती। जो भी सिखाया जाता पेरेंट्स के द्वारा, टीचर के द्वारा, या फिर आपके जो नियर बाई हैं पीपल, उनके द्वारा, बच्चे ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं सीखना। उनको सिखा दिया जाता है, बच्चों को स्टार्टिंग से ही कुछ बातें बता दी जाती हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो बातें उनके साथ साथ बड़ी होती चली जाती हैं और वो उनको ही सच मानने लगते हैं। उसके बाद है टीचिंग। अनुशासन प्रजातंत्रात्मक होता है और सामाजिक अनुशासन पर जोर दिया जाता है। प्रजा कौन होगी? जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। तो जो इसमें प्रजा कौन होगी? बच्चे होंगे जो सीख रहे हैं, उनको आधार बनाकर सिखाया जाता है सब कुछ। और समाज में रहकर, सोशल इन्वायरमेंट में रहकर ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। और जो प्रतिपादन है, इंडोक्ट्रिनेशन है, यहाँ पर अनुशासन कठोर होता है। जो भी सीखना है वो तो सीखना ही है, आप चाहे कुछ भी कर ले, आपको फ्रीडम नहीं है। जो बातें हमें बतानी है वो तो बतानी ही है, ठीक है, आप कहीं भाग नहीं सकते उस चीज़ से। उसके बाद है शिक्षण में तर्क बहुत सारे क्षेत्र हैं। शिक्षण में जो बहुत सारे रीजनिंग दी जाती है, अपने व्यूज़ दिए जाते हैं, बच्चों से पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप अपने व्यूज़ दे सकते हो। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको जो सिखाया जाता है आपको वो सीखना है, अनुशासन का पालन करना है, आपको फ्रीडम नहीं है और ना ही आप अपने व्यूज़ दे सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तर्कों का कोई स्थान नहीं है, आप अपने व्यूज़ नहीं दे सकते, और जो विचारधारा बतानी होती है, जो सिखाना होता है, वो बस सीखना ही है आपको, ठीक है। टीचिंग में है शिक्षण एक अंतक्रियात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग जो है एक अंतक्रियात्मक प्रक्रिया है, बहुत सारे मेथड्स मिलकर काम करते हैं। जैसे हम अभी चार कॉन्सेप्ट की ही बात कर रहे थे, तो सारे इंटररिलेटेड है और शिक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं शिक्षण में। और जो प्रतिपादन है वो शिक्षण का ही एक अंग है, हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था, ठीक है। उसके बाद है मूल्यांकन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जो इवेल्युएशंस किया जाता है उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तकनीक यूज़ की जाती हैं, क्योंकि मेथड्स हम अलग अलग यूज़ करेंगे, टेक्निक हम यूज अलग अलग करेंगे, तो इवेल्युएशंस करते हुए भी हम अलग अलग चीज़ें ही इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बच्चे अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो हम उनके लिए एक ही मेथड, एक ही इवेल्युएशंस नहीं फॉलो कर सकते, उसके लिए भी हमें अलग अलग विधियों का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर विश्वासों और विचारों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। जो बच्चों को सिखाते हैं, जैसे मैंने आपको लड़के का एग्जांपल दिया था कि लड़कों को रोना नहीं है, तो जैसे जैसे लड़के बड़े होते जाते हैं तो लड़के रोते नहीं। आपने देखा होगा बहुत इमोशनली स्ट्रांग होते हैं बच्चे, जो लड़के होते हैं तो उनको रोना नहीं होता। तो बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका इवेल्युएशंस भी वैसे ही किया जाता है कि उनके जो विचार हैं, उनके जो विश्वास है, जो दृढ़ हो गया, जो पक्का हो गया है, उसी के आधार पर ही उनका इवेल्युएशंस किया जाता है कि हाँ जो हमने सिखाया था वो बच्चे सीख गए हैं, बस यही है, ठीक है। उसके बाद आपको देना है कॉन्क्लूजन बता देती हूँ। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षण एक विस्तृत धारणा है। ये आपको रट लेना है कि जो शिक्षण है एक विस्तृत धारणा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका, ठीक है, लाइफ टाइम चलती है। और जो कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ शिक्षण एक अंतर्क्रियात्मक प्रक्रिया भी है, हमने डिफरेंसेस में भी इसको पढ़ा था। प्रतिपादन जो इंडोक्ट्रिनेशन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही सीमित है और व्यक्ति के कुछ विश्वासों दृष्टिकोणों को बदलने का लक्ष्य रखता है। शिक्षण कैसे किसी के विचारों को बदल सकता है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे हमारी एजुकेशन स्टार्ट हुई,
बच्चे जैसे लड़के हैं और लड़के, लड़कों को पढ़ाने की फ्रीडम थी लेकिन लड़कियों को पढ़ाने की फ्रीडम नहीं थी। लड़कियां अगर घर से बाहर जाती थी तो पढ़ने के लिए तो कहते थे अरे लड़की होकर पढ़ेगी, लड़कियों का काम तो सिर्फ घर में काम करना है, बर्तन साफ करना है, खाना बनाना है और बस कुछ नहीं, बाहर पढ़ने जाओगी तुम। तो लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, जैसे जैसे एजुकेशन ने थिंकिंग लोगों की चेंज की, वैसे वैसे लड़कियों को भी फ्रीडम मिलने लग गई, उनके पेरेंट्स हैं उनको फ्रीडम देने लगे, उनको एजुकेटेड करने लगे। तो आज हम देख सकते हैं कि पहले वाली कंडीशन क्या थी लड़कियों की और आज वाली कंडीशन क्या, बहुत चेंज है हुआ किस चीज़ से, एजुकेशन से, टीचिंग से ही। तो जो शिक्षण है वो चेंजेस भी लेकर आता है हमारे बिहेवियर में, हमारी थिंकिंग में, तो बहुत कुछ चेंज भी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें फैक्ट भी हैं, जो कुछ फैक्ट हैं वो रह जाते हैं। वही बच्चों लड़कों को रोने वाला एग्जांपल लेकर आज भी लड़कों को वही सिखाया जाता है जो पहले सिखाया जाता था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, जो पहले चलती आई थी वही अब भी चल रही हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका भी रिस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कैसे आपको लगा इंडोक्ट्रिनेशन से। आई होप आपको अब बिल्कुल डरने लग रहा होगा कि इंडोक्ट्रिनेशन होता क्या है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो इसका मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप दो तरह से एग्ज़ाम में कैसे लिख के आ सकते हो, कैसे इसका आंसर दे सकते हो। देखिए, आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में टीचिंग, इंट्रोडक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग में डिफरेंसेस बताइए, ठीक है। 16 मार्क्स में पूछ लिया आपसे, तो आप इस क्वेश्चंस के आंसर को दो तरह से दे सकते हो। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है ये वाला, पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि शिक्षण होता क्या है, उसके बाद आप डायग्राम से शो करोगे, दोनों डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाने हैं, उसके बाद आप एक एक करके डिफाइन करोगे। जैसे आपने पहले टीचिंग को डिफाइन कर दिया, क्योंकि टीचिंग के साथ साथ ही हमें और का डिफरेंस करना है। फर्स्ट आप टीचिंग को डिफाइन करोगे, उसके बाद आप करोगे ट्रेनिंग, या फिर कोई भी आप ले सकते हो। पहले ट्रेनिंग को आपने डिफाइन किया, जो भी इसकी डेफिनेशन बनती है, मीनिंग बनता है वो लिखोगे, उसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, उसके बाद आप इंडोक्ट्रिनेशन लिखोगे। डिफाइन कर दिया आपने, उसके बाद क्या करना है आपको, कॉलम बना लेने हैं इस तरह से। इस तरह से आपने कॉलम बना लिए, तो आपको फर्स्ट यहाँ पर टीचिंग का लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेनिंग लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे इंडोक्ट्रिनेशन। तो टीचिंग के जो पॉइंट्स है वो यहाँ लिख दोगे, और जो तीन फैक्टर, जो तीनों के पॉइंट बनते हैं, आप इस तरह से यहाँ पर लिख दोगे। ये है आपका फर्स्ट पैटर्न जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। लास्ट में आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, इससे भी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएगा। दूसरा है कि आप पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन, तो आपको देना ही है, फर्स्ट डायग्राम भी आपको बनाना है, दोनों डायग्राम। उसके बाद जैसे पैटर्न मैंने ये वाला फॉलो किया है, वही आप तीनों क्वेश्चंस को जोड़ोगे, वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। तीन टाइप्स, तीन वीडियो में मैंने इसको बताया है आपको, जैसे समझाया है कि पहले आपको टीचिंग बतानी है, फिर आपको बतानी है ट्रेनिंग, दोनों में डिफरेंस कर दिया, उसके बाद टीचिंग में बताओगे, फिर आप इंडोक्ट्रिनेशन पे बताओगे, उसको डिफाइन कर दिया, फिर आप टीचिंग की डेफिनेशन दोगे, और फिर बताओगे आप ट्रेनिंग के बारे में या फिर इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो रह गया था, फिर आप उसको डिफाइन करोगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा लंबा और टाइमिंग आपका कंज्यूम करेगा। तो बेटर है कि जो मैंने अभी बताया है फर्स्ट वाला, वही आप फॉलो करें इसमें, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए काम की है या नहीं, ठीक है। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचे रहिए। स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू।